अस्सलाम वालेकुम भाई, आज जो शॉपिंग कर रहे हैं बारबेक्यू और मेरी शुरमा और उसके लिए कुछ लेते हैं। क्या चाहिए? जीरो तो एक पैकेट इसका कर लें, शुरमा का कर लें, हाँ, और एक ब्रेड दे दें। हाँ, शॉपिंग हो गई और ये जो है फिर चेक करेंगे, कुछ और सामान भी इन बच्चों कराए इसको घर लेके जाते हैं। भाई यहाँ पे क्वाड फूड्स वालों के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बेकरी का सामान सारा लेते हैं। ये देखिए क्वाड फूड, ये मेरा दोस्त भी है ये माशाल्लाह से शाजीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अहले जन्नत। क्या चीज़ मीज़ वगैरह सब कुछ है कि नहीं है तुम्हारे पास? सारा कुछ मिल जाएगा, सब कुछ बेकरी का सारा सामान होगा, केमिकल्स वगैरह सारे मिलेंगे जी। अच्छा भैया, अगर किसी ने शोरमा वगैरह बर्गर जो भी है बेकरी का मिल जाएगा। ये देखिए मेयोनीज वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, वो मक्खन का जो पैकेट है वो दे दें। अच्छा। और दूसरा मेयोनीज, पाव वाली आधे किलो, किलो आधा किलो वाला बहुत होगा इसमें। और केचप का एक बड़ा पैकेट, केचप में और कौन से टोमेटो, टोमेटो अच्छा टोमेटो वाला चाहिए उसमें, एक अनास वाला है, ये चिली सॉस वगैरह सब कुछ तो है ना, चिली सॉस भी चाहिए, सोया सॉस, चिली सॉस। कितने में ट्रायो पैक में? 800 में। हाँ ट्रायो पैक ठीक है ना, ट्रायो पैक ठीक है। ये देखिए पकाने वाला सामान सब कुछ है। हाँ हाँ, एक और मेयोनीज का। ये बर्गर सॉस पड़ा है, ये बर्गर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। सामने आपका पड़ा हुआ है चिली सॉस पड़ा हुआ है, चिली गार्लिक सॉस पड़ा हुआ है। ये बाकी क्या है? और इसमें इसमें ये तो और कुछ केमिकल है मुझे तुम को पता नहीं। ये दूध पड़ा हुआ है, ये चाय वगैरह के लिए, बच्चों को भी दे सकते हैं। ये जो है आपका दूध पड़ा है, चॉकलेट पाउडर है, ये चॉकलेट पाउडर है, ये चॉकलेट पाउडर है, केक के लिए इस्तेमाल करना। और ये जो है ये सालिम का मक्खन है, मक्खन है सऊदी इंपोर्टेड है, इसके अंदर जो है 8 वो है। अच्छा ये देखा है, इसमें ये सामान जो है ये बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, ये शास्लिक स्टिक्स है, आप बारबेक्यू के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं केक वगैरह चेक करने के लिए बेकिंग टाइम पे। और ये सारे सामान ये ऊपर ये आपको जो पड़ा है ये उसका सामान है, बर्थडे का सामान पड़ा है। अच्छा बर्थडे का केक आइटम्स पड़े हैं, स्लाइसिंग ये टोमेटो उसकी स्लाइस। और यार ये बेहतरीन चीजें है ना, वो पिज्जा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल असल भाई, ये पिज्जा के लिए ये बड़ा भी हो जाता है, इसमें छोटा भी कर सकते हैं, इस पे कटर भी है और लिफ्टर भी है, उठा भी सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छी चीज है। और कुछ सामान ये भी पड़ा हुआ है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं ना बहुत ज्यादा जी। ये जो है सब ये किचनएड की मशीन पड़ी हुई है, हाँ। अमेरिकन ब्रांड है, मिक्सिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। मिक्सिंग के लिए, केक मिक्सिंग के लिए, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक ठीक। और ये यहाँ पे भी बकिया, ये जेम है ना जी, ये उधर जो शुरू में पड़ी है 20 किलो वाली बाल्टी है, ये 5 किलो वाली बाल्टी है, मिक्स फ्रूट पड़ा है, फुल स्लाइस पड़ा हुआ है। अच्छा ये स्लाइस है ना जी, वो ये मिक्स फ्रूट है, ये मिक्स फ्रूट है, ये स्लाइस पड़ा है, वो स्लाइसेस है, पाइनएप्पल का स्लाइस है ना, जैतून की ऑलिव्स भी आपको मिल जाएंगे, ये ऑलिव है ना जी। ये पैकेट कितने के? ठीक है जी, तो लग जाएगा 2150 के लेने। अच्छा 2150 के लिए, 2150 का आपके लिए सर, मेरे लिए हां जी। चलो ये मेरे व्यूअर जब आते हैं उनको भी डिस्काउंट दिया, इंशाल्लाह बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा तो ये भी जेम है ना सारा जी? बिल्कुल ये 1 केजी है। और ये वो डिस्पोजेबल आइटम्स है असद भाई, कप्स पड़े हुए हैं, एल्युमिनियम फॉइल है, और इस तरह कोन वगैरह पड़े हुए हैं आपके, 1.2 कंटेनर्स ये मिल जाएंगे। चलो और ये वाली चीज तो ये वो है ना, ये ब्रेड क्रम्स है असद भाई, ब्रेड क्रम्स ये चिकन रोस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, चिकन रोस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो केएफसी वगैरह केएफसी वाले बेस तरह करते हैं ना, बिल्कुल हां शू पेपर वगैरह। चलो इंशाल्लाह हां, ये चीज ये जबरदस्त है, ये केक बॉक्स पड़े हैं नीचे नए आए हैं। अच्छा ये केक बॉक्स है, ये बिल्कुल इसमें आप ये नीचे इसका गत्ता रख सकते हैं, ऊपर से केक, एक तो दूसरा वो आता है डब्बा आता है, एक ही वाला डब्बा आता है, ये कि सेफ है, इजीली जा सकते हैं। और इसमें वो भी है ना, वो जो इसमें बटर पेपर पड़ा हुआ है सर भाई, ये इसमें वो पेपर है ना, वो शोरमे का पेपर है, वो भी चाहिए मुझे, शोरमा पेपर इसमें आता है सर भाई, ये बटर पेपर अभी रोल में, इसमें कटेड में आता है शोरमा। अच्छा, वो है जी, वो भी मिल वो मुझे दे दे। अच्छा वो मुझे चाहिए, हाँ शोरमा। चलो ये आइटम
और ये जो है ये चीज, ये आइटम कौन से? ये सर भाई ये सारे पड़े हैं, ये भी बेकिंग आइटम्स है, केक डेकोरेटिंग आइटम, केक डेकोरेटिंग। अच्छा, ये तो बारबेक्यू की लेना, वो गोश्त पे जो मार दे ना, गोश्त के ऊपर जो आपने तेल लगाना हो, जो भी लगाना हो, चिकन वगैरह, उसके लिए यूज होता है। या केक फिर आपने डिजाइनिंग करनी है। हां बिल्कुल, ये भाई आप यहां से सामान ले सकते हैं और अच्छी कीमत में, बिल्कुल डिस्काउंट रेट में आपको यहाँ से मिल जाएगा। लोग जो है वहाँ पे बेकरी वगैरह से ले लेते हैं, बेकरी की बजाय यहाँ आ जाए, डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम दे दें, वैसे ये मेरा दोस्त है वैसे भी शाजीब, तो ये आपको डिस्काउंट रेट में दे देगा। ज़्यादा नहीं है, फिर भी बच सकते हैं। देखिए सारा गीला हो चुका हूँ, पहले तो बहुत ही ज़्यादा तेज था, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, देख सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हो चुकी है और अभी मैं आपको बारिश के शॉट दिखा दूँगा। बहुत ज़्यादा प्यारी बारिश थी और कुछ ऐसे आधा घंटा या 40 मिनट हो गई और फिर बंद हो गई। और यहाँ पर हमने जो है अपना दरवाज़ा भी बनाया हुआ है, ये देखे। इससे पहली वाली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि ये हम बना रहे हैं और ये इस तरह का बन चुका है, कैसे खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। और इसमें मैंने जो है खजूर की टखनी भी लगा दी ताकि ये बंद हो सके, जो इसमें सुराख वगैरह हैं वो भी सेट हो सके। और ये देखें बारिश के मौसम में और ये कैसा लुक दे रहा है, ज़बरदस्त मज़ा। हाँ 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 माशाल्लाह भाई, ये देखें, ये जो है हमारे साथ शामी कबाब, और ये भी हमारे पास जो है शामी कबाब ही है, लेकिन ये है कि इसमें चिकन वाला है शामी कबाब और ये जो है बीफ का है। और ये जो है हमारे साथ कटलेस है, कटलेस बर्गर वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये भी चिकन से है, चिकन और आलू इसमें मिक्स होते हैं, और ये दाल वगैरह सब कुछ होता है। ये देखें कटलेस सब थोड़ा सा चख लेते हैं, हाँ 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 मसाले इसमें बेहतरीन है। वीडियो पूरी नहीं बना सकता लेकिन ये कि अभी ये मेरे लिए जो है बर्गर तैयार हो रहा है उसी शामी कबाब में, तो वैसे मैं बता रहा हूँ भाई। ये मेरा जो है बर्गर अभी बस माशाल्लाह तैयार हो चुका है, जुगाड़ वाला, क्योंकि अभी देर हो रही है। तो ये देखें